अगर आप मुझसे पूछेंगे पीएफ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो सबसे बड़ी समस्या है केवाईसी के अप्रूवल ना हो पाना। यहाँ आप देख सकते हैं एक भाई साहब का कहना है कि 4 महीने से हमारी बैंक केवाईसी नहीं हुई है और अभी हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि कितना आसान होता है आपकी केवाईसी को अप्रूवल करना। इसके लिए जब आप कंपनी के पास जाएंगे तो कंपनी को सिंपल सा अपना अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने के बाद मेंबर पे जाना है। मेंबर पे जाने के बाद अप्रूव केवाईसी पेंडिंग फॉर डीएससी, ये एक ऑप्शन है, यहाँ नहीं आएगा। जो आपने रिक्वेस्ट लगाई है वो नीचे आएगा, अप्रूव केवाईसी स्टेटेड बाय मेंबर, मतलब मेंबर जो रिक्वेस्ट लगा रहे हैं वो यहाँ आती है। इसको टच करना है, इसको टच करके जो आपने बैंक अकाउंट लगाया है वो यहाँ आ जाएगा। और उसको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ ऊपर टच कर देना है। एक ही साथ में सभी लोगों का अप्रूवल हो सकता है। उसके बाद करना है अप्रूव यूजिंग डीएससी, यहाँ ओके करना है और यहाँ ओके करना है। 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है आपकी केवाईसी को अप्रूवल करने में। लेकिन अगर ये 1 मिनट लगने वाला काम आपकी कंपनी नहीं कर रही है, आप कह रहे हैं कि 4 महीने का टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ कि आप अपनी कंपनी में जाइए और कंपनी में जाके आप ऐसा कहिएगा कि करने के लिए। आपको एक रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि कृपया करके कहीं और से केवाईसी मत करवाइएगा। यहाँ पे फेसबुक पे और कुछ जगह यूट्यूब पे भी इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि आप हमसे केवाईसी करा लीजिए, तो आप कहीं से भी केवाईसी मत कराइएगा। अगर आप केवाईसी करा लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ क्या परेशानी होगी। केवाईसी में ये परेशानी होगी कि अभी मान लो आपकी एक कंपनी है, इस एक कंपनी जो लास्ट की कंपनी है वहाँ आपने केवाईसी लगा रखा है, जो कि अभी अंडर प्रोसेस में है, ठीक है, पेंडिंग एट एम्प्लॉयर आ रही है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अगर मान लो कहीं और से केवाईसी कराओगे तो वो आदमी अपनी एक नई कंपनी यहाँ जोड़ देगा, और नई कंपनी जोड़ने के बाद फिर आपसे बोलेगा आप दोबारा केवाईसी लगाइए। तो इस बार आपकी केवाईसी यहाँ ना जाके जो आपकी सबसे लास्ट में एक फर्जी कंपनी लगी होगी उस फर्जी कंपनी के पास चली जाएगी। ये फर्जी कंपनी वाला क्या करेगा, फिर आपसे रिक्वेस्ट भिजवाएगा केवाईसी की, और वो यहाँ से इसे अप्रूवल कर देगा। लेकिन समस्या यहाँ बहुत बड़ी ये हो जाती है कि यहाँ पे जो कंपनी लगाई गई है वो टोटली फर्जी कंपनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, करीबन 70-80 हज़ार लोगों का केवाईसी इसी तरह किया गया था, और जिसकी वजह से उन सभी लोगों का यूएन अकाउंट डिसेबल हो चुका है, 1 से 1.5 साल से भी डिसेबल ही चल रहा है। तो अगर आप यहाँ परेशानी झेल रहे हैं, मैं आपकी बात सहमत हूँ, 4 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अगर आपने ऐसे केवाईसी कहीं और से कराया और आगे चल के आपका अकाउंट डिसेबल हो गया, तो आप यहाँ तो 4 महीने हैं, अभी तो आप अपने अकाउंट खोल पा रहे हो, फिर तो आप अपना अकाउंट भी नहीं खोल पाओगे। यहाँ देख लो 1.5 साल से लोग यहाँ परेशान हैं, कोई अपना 1 रुपये नहीं निकाल पा रहा। तो आप कृपया करके अगर पेंडिंग में भी पड़ा हुआ है, अंडर प्रोसेस में भी पड़ा हुआ है, तो भी आप किसी और से केवाईसी मत कराना। किसी और से केवाईसी कराने से आपका पूरी तरह से अकाउंट बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हो, करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्या क्या करना है आपको। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने एम्प्लॉयर से फ़ोन करके बोल सकते हैं, या ईमेल करके बोल सकते हैं, या जो भी आपके पास साधन हो। अगर मान लो आप वर्कर हो, आपके ऊपर ठेकेदार है, ठेकेदार को आप बोल सकते हैं, और ठेकेदार से ना बने तो उनके जो बॉस हैं उनसे आप बोल सकते हैं, ये फ़ोन पे कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप मान लो इस कंपनी में आपका केवाईसी नहीं हो रहा, आप कोई नई कंपनी ज्वाइन कर लो। जब आप नई कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपके जो पहले वाली रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल करना, और फिर अगर आप केवाईसी लगाओगे तो वो नई कंपनी में जाएगी, तो नई कंपनी वाला आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देगा। नॉर्मली मान के चल सकते हैं, लेकिन अगर मान लो दूसरी कंपनी में गए, वो इसका भी इससे भी बड़ा वाला बेवकूफ हो, वो तो आपको सुन भी लेता है, ये तो आपका कॉल उठाता ही नहीं, तो फिर आप फिर फंस जाओगे, फिर आपके केवाईसी पेंडिंग में पड़ा रहेगा। ये समझना कि एक बार आपकी केवाईसी अप्रूवल हो गई तो उसके बाद नई जगह ज्वाइन करने पे दोबारा से केवाईसी करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप दूसरी जगह इसलिए ज्वाइन कर सकते हो ताकि जो पहले वाली आईडी आपका, पहले वाली कंपनी आपका अप्रूवल नहीं दे रही, तो नई कंपनी ज्वाइन करने पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। दो मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता चुका हूँ, और तीसरा सॉल्यूशन जो एक थ्योरी के तौर पर है कि आप अपना पीएफ ग्रीवाइंस लगा सकते हैं। अभी ये पीएफ ग्रीवाइंस कैसे लगाना है, क्या तरीका होता है पीएफ ग्रीवाइंस लगाने का, क्या लिखना होता है, इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीका आपको बताया है कि आपकी कंपनी आपकी केवाईसी अप्रूवल कैसे कर सकती है, अगर वो नहीं कर रही है तो आपके पास क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, और तीसरा ऑप्शन जिसके अंदर प्रॉपर ग्रीवाइंस कैसे लगाई जाती है
वो आप अगली वीडियो में देखिए। ये वीडियो आपको कितनी समझ आई है इसे फीडबैक में आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली पीएफ ग्रीवाइंस वाली वेबसाइट में। बहुत बहुत धन्यवाद।